हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर। हमारे आज के वीडियो में वी विल डिस्कस हाउ टू इंक्रीज चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट नेचुरली। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज के प्रेग्नेंट होने के लिए फीमेल पार्टनर एज वेल एज मेल पार्टनर का नॉर्मल रूप में नॉर्मल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेडी को प्रेग्नेंट होने के लिए एक नॉर्मल यूट्रस लगता है। नॉर्मल यूट्रस के साथ में उनके फेलोपियन ट्यूब्स भी ओपन होने चाहिए और नॉर्मल होने चाहिए, और साथ में उनका जो एग का क्वालिटी है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। तो ये तीन चीजें तो एकदम नॉर्मल है, राइट? यू नीड अ नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब, यू नीड अ नॉर्मल यूट्रस एंड यू नीड अ गुड एग क्वालिटी। साथ ही साथ कोई भी मेल पार्टनर के लिए जो स्पर्म काउंट्स रहते हैं या जो स्पर्म के फंक्शंस रहते हैं उनका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है तब आप आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जब बढ़ाने का सोचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के जमाने में हम रेकमेंड करते हैं एस्पेशली फॉर पीपल हु आर ओबीज इज टू अंडरगो वेट लॉस। लोग सबसे कॉमन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर वेट लॉस कितना करना चाहिए। यू नो, ऑन एन एवरेज जो आपका वेट है, मान के चलिए आपका वेट है 100 kgs, देन यू शुड अचीव एटलीस्ट 7-10% ऑफ वेट लॉस, मतलब 7-10 kg, प्रोवाइडेड आपका वजन 100 kg के आसपास है। तो ये वेट लॉस करने से आपका एग का क्वालिटी एज वेल एज आपका स्पर्म का क्वालिटी एनहांस होता है और आपका इम्प्लांटेशन बहुत अच्छे से होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल शुड फॉलो एस्पेशली आज के जमाने में, दैट इज टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एल्कोहल, अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ टोबैको इनटेक विच इज मोस्ट कॉमनली गोइंग टू बी स्मोकिंग। ये चीजें आपको जरूर अवॉइड करनी है। थर्ड, हम नॉर्मली लोगों को ये बोलते हैं कि यू शुड हैव अ वेरी हेल्दी डाइट, राइट? What is a healthy diet? Healthy diet वो होता है जिसमें there is a high level of antioxidants. Okay? अगर आपको ये नहीं समझता है कि antioxidants क्या है, हम कैसे खाएं, तो simple चीज ध्यान रखना है आपको। Try doing green leafy vegetables. Okay? And try having lot of fruits. These two things are going to be food items which are going to have a good number of antioxidants. In fact, हम काफी male patients को च्यवनप्राश, जो एक बहुत commonly बनता हुआ चीज है Indian households में, commercially available भी है, हम ये recommend करते हैं because it has close to 36 good antioxidants. ये हर चीज बहुत धीरे 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 काम करता है। आप ऐसा मत समझना एक दिन आपने अल्कोहल पीना छोड़ दिया या एक दिन स्मोकिंग करना छोड़ दिया तो आप कल प्रेग्नेंट हो जाओगे। ये सारे चीजें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को इफेक्ट आने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा मत समझना कि आज मैंने 1 kg कम कर दिया तो मैं कल प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। इट इज अ लॉन्ग, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं वो ये है, इज दैट यू शुड हैव इंटरकोर्स ड्यूरिंग योर फर्टाइल विंडो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेग्नेंट होने के लिए। ध्यान में रखिए, ये सब चीजें तभी काम में करेंगी प्रोवाइडेड आपका स्पर्म काउंट ठीक है, फेलोपियन ट्यूब ठीक है, यूट्रस ठीक है और एग का क्वालिटी ठीक है। अगर इनमें से किसी भी एक चीज में गड़बड़ है, अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड नहीं है, तो वो सारे चीज आपके फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा। उस टाइम पे ये कोई भी प्रोसीजर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 4 काम नहीं करने वाला अगर इनमें से कोई भी एक चीज डिफेक्टिव है। तो सबसे पहले नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए जरूर प्री कंसेप्शनल आपका जांच करवा लीजिए, कोई डॉक्टर के पास जाइए, वो जरूर आपके रिपोर्ट्स करके देंगे। कमिंग बैक टू दिस, फर्टाइल विंडो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नॉर्मली जिन लोगों के रेगुलर साइकिल्स रहते हैं उनका ओव्यूलेशन 13th या 15th डे के बीच में होता है।
इट इज रिकमेंडेड टू हैव इंटरकोर्स एवरी ऑल्टरनेट डे एटलीस्ट, ओके, एवरी ऑल्टरनेट डे या डेली इंटरकोर्स. अगर आप ऐसे बोलते हो कि मैं सिर्फ फर्टाइल विंडो के 13th डे, 14th डे और 15th डे बस मैं तीन ही दिन इंटरकोर्स करूंगा, मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो सिचुएशन में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. इन योर फर्टाइल विंडो रिमेंबर, आपको एवरी ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स राइट फ्रॉम डे 8 टू डे 9 से लेकर डे 19 से लेकर डे 20 तक मेंटेन करना है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन यूट्रस में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये आप चार चीज सीरियसली स्मार्टली फॉलो कर सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, तो डेफिनेटली आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद में ऑन एन एवरेज हर कपल को जो नेचुरल प्रेगनेंसी का चांस रहता है वो तकरीबन 6-8% रहता है. एक महीना ट्राई किया, प्रेग्नेंट नहीं हुए, निराश होके बैठ गए, तो आपको काम नहीं होना है. दिस इज टू बी ट्राइड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6-8 months. नॉर्मली ये टाइम लगता है लोगों को प्रेग्नेंट होने के लिए, बट ये जो सारे एडिशनल चीजें हैं, वेट लॉस, गुड फूड, फर्टाइल विंडो, ये सब चीज आपका ये 6-8% को इंक्रीज करके 8-12% तक लेके जा सकता है. एंड इफ यू रिमेंबर दिस, आई एम श्योर इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ कंसेप्शन. एनी फर्दर क्वेश्चंस टू दिस यू कैन पोस्ट इन अवर कमेंट्स बॉक्स, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे. थैंक यू सो मच.